सबसे ज्यादा जईफ, सबसे ज्यादा कमजोर, सबसे ज्यादा बुजदिल जवान वो है जो गुनाह के मौके पे अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं अक्सर इसकी मिसाल ये देता हूं कि इंसान की आंखों पे खुदा ने शटर बनाया है, दरवाजा बनाया है, बहुत ही हल्का सा, दुनिया के सबसे हल्के और कम वजन शटर में से एक शटर खुदा ने इंसान की आंख का दरवाजा बनाया है। पिल चंद ग्राम जिसका वजन है, चंद ग्राम वजन है। हो कोई पहलवान आए मैदान के अंदर आकर इस चंद ग्राम शटर को गिरा के दिखाए, कब? जब हुक्म आता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु गुज़्ज़ू अबसारकुम, ए वो लोगों जो ईमान लाए हो आंखें अपनी नीचे कर लो, शटर गिरा दो। गुनाह सामने है, ना महरम सामने है, गलत मंजर तुम्हारे सामने है, ये पिल्क आंखों के नीचे कर दो, बंद कर दो। वो कौन पहलवान है जो ये बताए कि मैं कर सकता हूं उस वक्त बंद? जब नामहरम सामने हो, जब गुनाह सामने हो, यहीं पर बुजदिल, यहीं पर नातवान, यहीं पर बेताकत, यहीं पर जईफ समझ में आ जाता है। पत्थर उठाने वाले, व्हीलिंग करने वाले पहलवान नहीं होते, नफ्स अम्मारा को कंट्रोल करने वाले ताकतवर हैं। जवानी तौबा के लिए है, तौबा सबसे मुश्किल काम है। बुजदिल आदमी कभी तौबा नहीं कर सकता, कमजोर कभी तौबा नहीं कर सकता, यानी अपनी गलती का एतराफ नहीं करता। दलेरी और शुजात की एक अलामत यह है कि इंसान अपनी गलतियां मान ले।